ओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभी और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है होंडा की तरफ से, होंडा 19 अगस्त को, जी हां 19 अगस्त को एक नई बाइक लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर। अब बाइक के बारे में और डिटेल देने से पहले आप एक बार इस टीजर को देख लीजिए। दोस्तों आपने टीजर देख लिया होगा, टीजर देखने के बाद जो मेरे को लगा, मेरे हिसाब से एक एडवेंचरर टूरर बाइक इंडिया के अंदर आने वाली है। तो उसके बाद जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू करा तो पता लगा कि होंडा NX 200, जी हाँ NX 200 भारत के अंदर आने वाली है, जो कि हॉर्नेट 2.0 पर ही बेस्ड रहने वाली है। अब आपको पता होगा होंडा हॉर्नेट यार बहुत स्मूथ बाइक है अपने सेगमेंट के अंदर। मैंने आज तक जितनी भी बाइक चलाई है उसमें सबसे स्मूथ जो मेरे को बाइक लगी है वो होंडा हॉर्नेट है। हालांकि जो इंजन ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी अलग रहने वाली है, क्योंकि जो बॉडी का वेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद होंडा थोड़ा सा इंजन को रीट्यून करेगा। अब देखना ये होगा कि पावर फिगर्स में क्या चेंजेस आते हैं और ओवरऑल बाइक के अंदर क्या चेंजेस होंगे। लेकिन अगर रूमर्स की माने तो इसके अंदर जो आपको सस्पेंशन ट्रेवल है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, और जो टायर्स हैं वो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि 80% हाईवे और 20% ऑफ रोड वाले देखने को मिलेंगे। यानी कि आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे, लेकिन जो मेन इस बाइक का पर्पज होने वाला है वो होने वाला है टूरिंग। जी हाँ, जिनको टूरिंग बहुत पसंद है और एक अच्छे माइलेज के साथ जो टूरिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होने वाला है। तो अब इस बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, कैसा राइडिंग एक्सपीरियंस होगा और ये बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब ये बाइक लॉन्च हो जाएगी इंडिया के अंदर। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट और देखना है फ्यूचर में और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इति